Pastel color face. How to draw pastel color with base. How to draw pastel color with face. So this is the topic, how to draw pastel color with face. हम जा रहे हैं तो इसमें पहले बॉर्डर लाइन खींच लेते हैं। First border line,
चारों तरफ बॉर्डर लाइन हो गया। अभी इस पे फेस हमको बनाना है। फेस बनाने के लिए ये हो गया तुम लोग को ग्रैप। तो अब हम पट पट करके हम स्केचिंग करके चल रहे हैं। देखो फर्स्ट हम आउटलाइन कर देते हैं। उसके बाद हेड पोर्शन आउटलाइन कर लो। आउटलाइन ऑफ फेस। अभी हमको डिटेल्स में जाना है। आईब्रो, आई, नोज एंड लिप, ये हमको बनाना है। तो फर्स्ट थिंग आईब्रो तुम लोग बना लो। हो गया। दिस इज द आई लाइन। आई लाइन में आई बना लो। आई पोर्शन सेम। नोज पोर्शन सेम।
क्लोज पोर्शन एंड इसको बहुत लिप, लिप का फर्स्ट मिडिल लाइन खींच लो, फर्स्ट मिडिल लाइन उसको बहुत ऊपर पोर्शन एक्सप्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी हम कलर में जाएंगे, कलर में अभी हम चल रहे हैं। तो फर्स्ट तुम लोग को स्किन कलर कर दो, फर्स्ट इज दिस कलर क्या है देखो, लाइट पीच, पीच कलर इज स्किन कलर, दिस इज द पीच कलर। तो ये कलर हम फेस में पहले हम कर लेते हैं पूरा एरिया में। तो पेंसिल लाइन हम हटा देते हैं, अभी ग्राफ का जरूरत नहीं। जितना पेंसिल लाइन है हम थोड़ा इरेज कर दें। तो अभी स्किन कलर में हम चल रहे हैं। पहले फेस में पूरा स्किन कलर कर लो, पूरा फेस में। यार पोर्शन भी स्किन कलर फिलअप करो। सो स्किन कलर कंप्लीट, इसको बाद ब्राउन में चल रहे हैं। दिस कलर इज ब्राउन, कलर इज ब्राउन। तो ब्राउन देखो हल्का से हम शेडिंग कर देते हैं साइड में, वेरी लाइट टोन से शेडिंग करना है ब्राउन स्किन कलर के ऊपर। फिंगर से इसको मिक्सिंग कर दो, फिंगर से हल्का से मिक्सिंग कर दो।
आई का दोनों पोर्शन हल्का ब्राउन शेडिंग कर दो। इसको बाद हल्का से फिंगर से थोड़ा कलर मिक्सिंग कर दो। इस तरह हल्का से मिक्सिंग करो या पोर्शन भी शेडिंग कर दो। दोनों साइड में जैसे शेडिंग में तुम लोग को 3-2-1 किया है, ये भी एक पोर्शन में उस तरह डीप दोनों साइड डीप होगा, बीच में लाइट हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट। तो अभी देखो हल्का से ऑरेंज, हल्का से ऑरेंज हम ले रहे हैं। दिस इज द ऑरेंज। ऑरेंज हल्का लिप से हल्का करके तो ऑरेंज टोन हम लेते हैं लिप्स में। उसके बाद इसको मिक्सिंग कर देते हैं। तो इसी को ऊपर अगेन ब्राउन, अगेन ब्राउन। दोनों कलर मिक्सिंग किया है, एक है फर्स्ट ऑरेंज एंड देन ब्राउन। दोनों कलर में लिप में हाईलाइट निकल गया। इसको बाद हम ब्लैक यूज करते हैं। ब्लैक, ब्लैक तुम लोग को कहा जाएगा आई ब्रो पोर्शन में ब्लैक होगा। आई बॉल में ब्लैक हो जाएगा। दोनों साइड में हल्का ब्लैक, लिप में और भी थोड़ा एक बार ब्लैक दे दो। इसको बाद हेयर पोर्शन हम ब्लैक कर देते हैं। तो हेयर पोर्शन ब्लैक हो गया और उसको बाद हम
this is the black. जो जो कलर हम यूज किया है इसमें हम इंडिकेट करते हैं. तो अभी हम साल के ब्लू कलर में जा रहे हैं. तो दिस ब्लू इज हियर. ब्लू कलर में हम जा रहे हैं. This one is complete. इसको बस शर्ट का नीचे कलर में हम डार्क ब्लू चल रहे हैं. दिस इज द डार्क ब्लू. दैट मीन्स दिस कलर इज दिस. दिस इज द डार्क ब्लू. Dark blue is complete. इसको बाद और एक तो टोन हम दे देते हैं. दिस इज द वायलेट. दिस इज द वायलेट. सो वायलेट कलर ब्लू को ऊपर वायलेट कलर मिक्सिंग कर देते हैं. किस लिए है ये ब्लू थोड़ा और भी ब्राइट हो जाए. शॉर्ट पोर्शन हो गया. अभी हम हल्का से ऑरेंज ऑरेंज छोड़ दो स्किन कलर और एक बार स्किन कलर हम इसी का अंदर में मिक्सिंग कर देते हैं. तब क्या है व्हाइट पोर्शन सब ऑफ हो जाएगा. इतना व्हाइट है ऑफ हो जाएगा. लास्ट में ये स्किन कलर और एक बार इसी को ऊपर कर देंगे. को पहले जैसे व्हाइट था व्हाइट ऑफ हो गया और मिक्सिंग थोड़ा स्मूथ हो गया. सो दिस इज द पोर्ट्रेट इज कंप्लीट. अभी बैकग्राउंड में एक तो हल्का से येलो कर सकते हैं. हल्का से येलो बैकग्राउंड में so this background color is complete. So last में हम background color ये दे दिया, right? So this the portrait is complete.